गाजीपुर में कोरोना संक्रमित नए मरीजों को भर्ती करने के लिए मोहम्मदाबाद तहसील में नई व्यवस्था की गई है। यहां मोहम्मदाबाद CHC में तो 30 बेड का कोविड अस्पताल बनाया ही गया है, साथ ही इससे अटैच शहीद स्मारक डिग्री कॉलेज में भी अतिरिक्त 100 बेड की व्यवस्था की गई है। इस डिग्री कॉलेज को भी 100 बेड के नए कोविड-19 लेवल 1 अस्पताल का रूप दिया गया है। सोमवार को गाजीपुर जिले के DM ओम प्रकाश आर्य और SP डॉक्टर OP सिंह इस कोविड-19 लेवल 1 अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे। वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर आशीष राय ने जिले के आला अधिकारियों को अपनी तैयारियों से रूबरू कराया। DM ओम प्रकाश आर्य ने निर्देश दिया कि यहां आने वाले संक्रमितों का पूरा ख्याल रखा जाए। जिलाधिकारी ने अधीक्षक डॉक्टर आशीष राय से कोविड-19 इस स्पेशल अस्पताल में खान पान से लेकर इलाज तक हर स्तर पर विचार विमर्श किया। निर्देश देने और तमाम तैयारियों का जायजा लेने के बाद जिले के टॉप अधिकारियों की टीम वहां से रवाना हुई। पहले गाजीपुर से कोरोना संक्रमित मरीजों को बनारस के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भेजा जा रहा था। वहां बेड भरने के बाद मरीजों को जौनपुर भेजा गया। अब इसके बाद मोहम्मदाबाद में ये दो अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।